दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। दोस्तों एक्सीडेंटल शेयर की बात करेंगे डेल्टा क्रॉप लिमिटेड की। दोस्तों गेमिंग और कैसिनो कंपनी है ये। गोवा घूमने जाते होंगे तो इस कंपनी का नाम काफ़ी सुना होगा। 145 रुपये में स्टॉक प्राइस है। 25 सितंबर 2023 को इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली दोस्तों, 20% की बड़ी गिरावट रही है। और इंट्राडे की बात करते हैं तो 157.90 रुपये में ओपन हुआ है। 157.90 रुपया भी हाई था, लो है 140.35 रुपया और क्लोजिंग 145.65 रुपये में आई है। 17% के गिरावट के साथ बंद हुआ है दोस्तों। जो बड़ी गिरावट हुई है डेल्टा क्रॉप लिमिटेड में, कौन सी खबर है उसकी बात करते हैं, कौन सा अपडेट है उसकी बात करते हैं। आपने वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को स्किप करें। जैसे कि ये कैसीनो की कंपनी है तो कैसीनो की ज़्यादातर कंपनियां प्रॉफिट में रहती हैं और काफ़ी उतार चढ़ाव भी शेयर प्राइस में देखा गया है। पिछले एक साल में जो हाई बनाया था 259.95 रुपये का है, 140.35 रुपये इसका लो है दोस्तों, और आज ही लो बनाया है। अब जिस खबर के कारण इसमें गिरावट देखने को मिली है तो इससे पहले भी ये खबर आई थी दोस्तों। इसीलिए किसी भी शेयर में अगर आप ट्रेड कर रहे हो या उसको खरीद रहे हो बेच रहे हो, उस कंपनी के बारे में जानकारी या अपडेट लेते रहना चाहिए। अब जो ये खबर है दोस्तों, 16,800 करोड़ का नोटिस है कंपनी के ऊपर जीएसटी का, जीएसटी काउंसिल के द्वारा 16,800 करोड़ का नोटिस है और इसकी सब्सिडी कंपनी के ऊपर लगभग 4,450 करोड़ का और 11,000-12,000 करोड़ का डेल्टा क्रॉप के ऊपर। तो 16,800 करोड़ का नोटिस आया है टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारे नए निवेशक होंगे जो जीएसटी का नाम तो सुना ही होगा। तो डेल्टा क्रॉप का स्टॉक इसी खबर के कारण गिरा है 145.65 रुपये में दोस्तों। बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और इतना बड़ा अमाउंट है टैक्स का जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो दिया गया है, तो कंपनी आगे क्या करेगी दोस्तों। तो सबसे पहले इसके बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। अब कंपनी का कहना है कि ये अदालत के द्वारा, कोर्ट के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, क्या ये कंपनी कर सकती है। तो रेवेन्यू की बात करते हैं 2023 में 1,020 करोड़ का, 2023 में टोटल रेवेन्यू 1,020 करोड़ का था और कंपनी का प्रॉफिट 261 करोड़ का था दोस्तों। 261 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है और नोटिस है 16,800 करोड़ का और साल का रेवेन्यू 1,020 करोड़ का है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो बहुत ज़्यादा टैक्स है दोस्तों, 16,800 करोड़, साल का 1,020 करोड़ का ही रेवेन्यू है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है 3,823 करोड़ का है, तो 4,000 करोड़ मान के चलिए मार्केट कैप है। मार्केट कैप के अनुसार भी काफ़ी ऊपर का टैक्स है 16,800 करोड़ का, और इसको चैलेंज करने के लिए भी कम से कम 25% पहले देना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा टैक्स है ये 16,800 करोड़ का। तो देखना पड़ेगा कि कंपनी के द्वारा किस तरह से ये सुलझाया जाता है, लेकिन जिस तरह का नोटिस है दोस्तों वो टेलीकॉम सेक्टर में AGR का जो ड्यूज था उसी तरह का लग रहा है। अब बहुत सारे निवेशक सोच रहे हैं कि AGR का ड्यूज टेलीकॉम सेक्टर, तो जो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक प्राइस आपको दिख रहा होगा 10-12 रुपये में, तो AGR ड्यूज के कारण ही आज के दिन की बात करते हैं तो स्टॉक वोडाफोन आइडिया का स्टॉक एक पेनी स्टॉक रह गया है। कहने का मीन्स ये है कि डेल्टा क्रॉप के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, कंपनी की उतनी इनकम भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, कैश भी नहीं है दोस्तों। फिलहाल इस वक्त कंपनी का गेम ओवर या फिर
अस्तित्व खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब निवेशकों को क्या करना चाहिए दोस्तों? देखिए, जब इस तरह की खबरें आती हैं, खास तौर से जो आम निवेशक हैं जिनको जानकारी नहीं है, 20-20% जब स्टॉक गिरते हैं, इससे पहले भी गिरावट हुई दोस्तों, तो दूर रहना चाहिए। तो आपको और भी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि जो निवेशक डेल्टा क्रॉप में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फंस गए हैं तो उनको और जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये डेल्टा क्रॉप कंपनी के बारे में जानकारी थी, स्टॉक प्राइस में जो गिरावट देखने को मिल रही है। तो नोटिस दिया गया है GST काउंसिल के द्वारा, 16,800 करोड़ से ज़्यादा का नोटिस दिया गया है और कंपनी का इनकम और प्रॉफिट इतना है नहीं, इसीलिए स्टॉक में पिछले कुछ समय से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, आगे भी इस तरह का हो सकता है। तो अलर्ट रहें और अपने अनुसार आप देख सकते हैं। इस तरह के अपडेट के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।